खालिद खान, सैफ वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शेरकोट भारतीय जनता पार्टी के माननीय बड़े भाई श्री अशोक राणा जी ने सरकार के आदेश अनुसार गांव-गांव जाकर सरकार की नीतियों को समझाया। सरकार ने सभी वर्गों को गैस सिलेंडर से लेकर शौचालय, मोदी आवास योजना, अन्य योजना, सभी योजनाएं बिना भेदभाव के योगी जी ने घर घर तक पहुँचाने का काम किया। विधायक अशोक राणा जी ने बताया कि हमने बिना भेदभाव के भाईचारा रखते हुए सभी का काम किया, सभी का सम्मान किया। इस 5 साल में कोई भी व्यक्ति हमें बताएंगे हमने किसी के साथ भेदभाव क्या है क्या, जो भी हमने काम किया है निष्पक्षता के साथ किया है। गांव भूतपुरी, मनोहर वाली, हाफिजाबाद, बिहारीपुर, मिर्जापुर, उमरपुर, आशा, बाल किशनपुर, मुस्तफापुर, तैयार सराय, शेरकोट ग्राम, मुस्तफापुर, तैयब, डॉक्टर नईमुद्दीन इदरीसी के यहाँ देर रात्रि 9 बजे पहुँचे सभी सम्मानित व्यक्तियों से कहा कि कोई भी समस्या है तो तुरंत मुझे बताएं, जो मेरे करने का काम है मैं करूंगा, जो प्रधान ने काम करना प्रधान करेगा, ब्लॉक का काम कर कोई है तो ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हमारे हैं, कोई भी काम मेरे लायक है तो मैं करने को तैयार हूं, समय से मेरे पास पहुंचे, हमारे यहां हर बहुत पब्लिक के लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी व्यक्ति बिना दबाव के मेरे यहां आ सकता है, मैं हमेशा पब्लिक की सेवा करने को तैयार हूं। शेरकोट से डॉक्टर नईमुद्दीन इदरीसी। सभी सम्मानित मेरे बुजुर्ग युवा साथियों, पत्रकार बंधु और खास करके नई भाई जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम रखा है, दोस्तों मैं आपके बीच में आपकी समस्याएं सुनने आया हूँ और एक विशेष बात आपसे करने आया हूँ कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलते हुए 8-7 साल हो गए हैं, प्रदेश में 4.5 साल हो गए। जब भाजपा की सरकार बनने जा रही थी तो बहुत सारी पार्टियों ने, नेताओं ने, अर्थात फसल के हमारे अल्पसंख्यक वर्ग को भी भड़काया था कि अगर भाजपा की सरकार आ गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। इसी के ऊपर कुछ दिक्कत आई, कुछ परेशानी आई। सरकार मंत्री के साथ ही मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, आपसे उसमें जोड़ा है सत्ता विश्वास। भैया जो सरकारी, चाहे वो आपके उज्ज्वला योजना की स्कीम आई हो, चाहे गैस के कनेक्शन की स्कीम आई हो, चाहे टॉयलेट बनने की स्कीम आई हो, चाहे मकान बनने की स्कीम आई हो, किसी का जाति या धर्म पूछ करके कोई काम हो रहा है? किसी से ये पूछ के काम हो रहा है कि तुमने कैसे वोट दिया? अब चुनाव फिर आ रहे हैं, लोग फिर इस तरह की बातें करेंगे। अरे एक बात बताइए, आप तो पूर्वज भी यही हैं, आप भी यही हैं, मेरे पूर्वज भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, मेरी आने वाली नस्ल भी यही रहेंगी। हमें विदेश को जाकर बैठना, हमें हमारा देश मजबूत होगा, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, हम सुरक्षित। अफगानिस्तान के मरने वाले कौन? हमारे मुस्लिम भाई को मारने वाले कौन? तो भैया आतंकी जो जाति न को धर्म होता, जो हम लोगों को तो सिर्फ ये चाहिए कि जो भी सरकार है वो ऐसी सरकार हो कि जो हमें समाज, अपने घर का लालन पालन करने के लिए, समाज में सुकून से रहने के लिए शांति व्यवस्था कायम रखें। अगर शांति व्यवस्था कायम रखेगी तो हम अपने कारोबार में लगे रहें, अगर आपस में वैमनस्य बढ़ेगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़े होंगे, जातियों के नाम पे झगड़े होंगे, जितने हिंदू होते थे उससे ज्यादा मुसलमान भाई दिखाई देते, अगर किसी मुस्लिम भाई की बेटी की शादी थी तो उससे ज्यादा हिंदू दिखाई देते। तो भाइयों उस सामंजस्य को दोबारा बैठाने की जरूरत है। सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है, कहीं कोई भी कुछ जाए सरकार के पास, पर सरकार कहीं भेदभाव कर रही है तो भैया मुझसे बता दो, मेरे मुंह को बता दो, कहीं किसी बात के लेकर कोई भेदभाव, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी आपका उत्पीड़न करे, मैं आपका नुमाइंदा हूँ, आपने मुझे इस क्षेत्र का विधायक बनाया है, मेरी जिम्मेवारी बन जाती है, फर्ज बन जाता है कि मैं आपकी हर परेशानी में आपके साथ रहा। विधायक अशोक राणा जी, विधायक अशोक राणा जी।
भैया ये सब कहने सुनने के लिए आपके बीच में आया था। कभी भी मेरे लायक कोई काम हो बेहिचक नहीं, भाई हैं और कुछ लोग हैं, आप हैं, मेरे घर गरीब खाने पे भी आए हैं, आपके लिए हर वक्त दरवाजे खुले हैं। कभी भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, बिल्कुल चले आएँ, निसंकोच चले आएँ। टेलीफोन पर बात करने का मन हो टेलीफोन पर बात कर लें, बिना ये सोचे समझे कि किसको। आपको जब मेरे पास आएंगे, बैठेंगे, मुझसे बात करेंगे, तभी मेरे बारे में पता चलेगा। बिल्कुल सही बात। अगर दूर दूर बैठे रहेंगे तो कौन आपसे मेरे बारे में क्या कह रहा है मुझे नहीं मालूम। जी ना, मैं उसकी कोई सफाई देना था। बिल्कुल सही बात। जो मेरा विरोधी जो होगा, जिससे किसी भी पार्टी का हो, वो मेरे बारे में अच्छी बात तो कहने सर नहीं कहना था। वो ये तो कहने का नहीं है, ठोकराना बहुत बढ़िया आदमी, मैं घटिया हूँ, कोई वही कह रहा है मैं बहुत बढ़िया आदमी। देखो जी, बिल्कुल भी किसी काम को आज तक कोई चीज़ का मामला आया नहीं। जो भी गया काम हुआ, किसी अधिकारी ने हिम्मत नहीं पड़ी कि ना करते कोई अधिकारी। और वन साइडर सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके हुए बस एक साइड वन साइडर, तो ये नहीं कि तुम्हारे सामने किस कह दिया और दूसरा गया तो उसके सामने भी कुछ और कह दिया। सबसे मेरे बढ़िया नेचर ये हुआ है। हमारे बीच में हमारे ब्लॉक प्रमुख जो भी बने हैं, ब्लॉक प्रमुख भैया हमारे बहुत बढ़िया हैं, ये भी हैं ब्लॉक का कोई काम हो प्रधान जी, आप हैं पी डी सी सदस्य हैं भैया, पूरे काम लोग जो इनके स्तर के काम हैं इनसे लोग, प्रधान तुमने बनाया जो प्रधान के स्तर के काम हो इनसे लोग, जो मेरे स्तर का काम हो जो भी काम हो भैया बेहतर मुझसे बताओ। और ईश्वर की कृपा है, नहीं भाई को भी पता है और पत्रकार बंधुओं को भी पता है कि आज की तारीख में ब्लॉक विधायक निधि और जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है वो भी आपका बनाया हुआ बैठा। कहीं भी कोई भी काम आपका हो वो रुकेगा नहीं। मेरे अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपके हर काम में हर ब्लॉक में। हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहें सैफ वर्ल्ड न्यूज़ से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।